हौज़बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे तो मज़े में होंगे। मैं आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सेंसिटिविटी के हवाले से। हम आज इसमें बात करेंगे कि सेंसिटिविटी को सेट कैसे करते हैं और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। तो बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि वो आते हैं सेंसिटिविटी का कोड लेके चले जाते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं कि वीडियो को जो है ना वो सेंसिटिविटी को कंट्रोल किस तरह करना है। जिस बंदे की आप लोग सेंसिटिविटी को कॉपी करते हैं, उसका गेम प्ले भी आप लोग देखा करें कि वो सेंसिटिविटी को कंट्रोल किस हिसाब से करता है, तो आप भी उसी हिसाब से फिर सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकेंगे। आप लोग देखते हैं कि सेंसिटिविटी का कोड भी आप वही लगाते हैं, लेकिन आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो आपके स्कोप्स हैं या आपका जो एम है, वो हेड्स के ऊपर ओपन नहीं होता। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जो इसकी सेटिंग है, वो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है। तो इससे पहले भी मैं सेंसिटिविटी की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, वो गेम प्ले के साथ सेंसिटिविटी की वीडियो है। तो इसमें जस्ट मैंने जो है ना ये ट्रेनिंग ग्राउंड में आके सेंसिटिविटी आप लोगों को दिखाई है कि मेरी सेंसिटिविटी कैसी है, और मैं ADS को ऑफ़ करके खेलता हूँ। वो भी मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा कि इसको मैंने ऑफ़ क्यों किया हुआ है और इसको ऑफ़ करने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान आते हैं। तो चलते हैं यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं 6X को मैं फुल पे चला रहा हूँ। तो फुल पे अगर चलाएंगे तो आप लोगों को जो है ना वो इस बात का आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा बहुत इसमें जो है ना वो अप एंड डाउन होना है, इसमें हिलना है। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से जो है ना स्कोप को वो आप लोगों ने ओपन करना है, कि ये नहीं कि आप लोग हेड के बिल्कुल ऊपर रख के इसको ओपन करेंगे, 6X को फुल रख के, तो फिर ये ओपन नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 6X को फुल चलाना पड़े, तो आप लोगों ने जो भी एनिमीज है, आप लोगों ने इसके दरमियान में से स्कोप को आप लोगों ने ओपन करना है। जब लोग आप इसको दरमियान में से ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के हेड कनेक्ट होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं सेंसिटिविटी, ये जो नीचे ये मीटर भी शो हो रहे हैं 256, 244, 242, ये यानी कि ये इतनी रेंज है। तो 300-400 मीटर जो है ना, ये काफ़ी रेंज होती है 300 मीटर पे 6X को जीरो रिकॉइल पे चलाना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग गेम प्ले भी जाके देख सकते हैं। तो उसके अलावा ये सेंसिटिविटी आप लोग देख सकते हैं, 4X को कैसे चलाना है, 3X को कैसे चलाना है, 2X रेड डॉट्स जो बैरल है इसके ऊपर 6X को कैसे चलाना है। बैरल पे 6X बहुत ज़्यादा कमाल का चलता है, मेरा बहुत कमाल का चलता है, लेकिन बहुत से लड़के जो है ना वो कहते हैं कि यार बैरल पे तो 6X जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये है भी, क्योंकि उसका रिकॉयल, बैरल का रिकॉयल कंट्रोल करना हर किसी के पास की बात नहीं। तो अगर आप लोग वीडियो को वॉच करेंगे, गेम प्ले देखेंगे, तो आप भी जो है वो रिकॉयल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये 4X का भी रिकॉयल आप लोग देख सकते हैं, रेड डॉट का भी पहले आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। इसके अलावा 6X को फुल पे भी मैंने चलाया है, 6X को 3X करके चलाएंगे तो बिल्कुल ज़ीरो रिकॉयल पे आप लोग चला सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आके जब आप लोग किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करें, चाहे मेरी हो या किसी और की, तो उससे पहले आप लोग सेंसिटिविटी को सेट जब कर लें, तो उसके बाद फौरन से पहले आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाया करें। ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग किया करें, थोड़ी सी आप लोगों का आइडिया हो जाया करेगा कि सेंसिटिविटी को कंट्रोल किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप लोग आकर लेफ़्ट राइट पीक की भी जो है ना वो भी प्रैक्टिस किया करें डेली। इसके अलावा जो जिगल प्रैक्टिस है, उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस किया करें। तो जो बात हेडशॉट की जो बात है कि इसके हेड बहुत कनेक्ट होते हैं, तो यार वो सेंसिटिविटी का इसमें कोई नहीं कि वो जो ना सेंसिटिविटी यार इसकी हेड ऑटो हेड पे सेंसिटिविटी है, इसके पास प्रति हेड है, वो बात कोई नहीं होती। सेंसिटिविटी अगर ठीक है तो आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग भी डेली यहाँ पर आकर प्रैक्टिस किया करें कि यहाँ पर आप लोग जब जिगल करते हैं तो आपके हेड कनेक्ट होते भी हैं कि नहीं होते। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में डेली आना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करना पड़ेगी 4-5 दिन। आप लोग डेली आकर ट्रेनिंग करें, अगर आप लोगों की सेंसिटिविटी और आप लोगों के हेड कनेक्ट ना होना शुरू होगा, तो मुझे ये जो है ना आकर बताना कि ये इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात ऐसे नहीं बनी, जो भी बंदा प्रैक्टिस करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को भी ज़रूरी है कि जिसकी भी सेंसिटिविटी आप लोग कॉपी करें, सबसे पहले जो है ना उसकी उसका गेम प्ले देखा करें, फिर जब सेंसिटिविटी या कंट्रोल या दूसरा कोड कोई भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोड को इस्तेमाल करने के बाद फौरन से पहले आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जा करें, यहाँ पर आकर जो भी आपकी सेंसिटिविटी है उसकी प्रैक्टिस किया करें, और आपको चाहिए कि आप अपनी खुद से सेंसिटिविटी को सेट करें। तो अगर आप लोग खुद से सेंसिटिविटी बनाना चाहते हैं तो वो भी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, पूरी डिटेल के साथ वीडियोस जो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है कि इसको आप लोग लेफ़्ट राइट करेंगे या इसको अप एंड डाउन करेंगे तो आपका स्कोप अप और डाउन होता है, तो इसको कम करना या ज़्यादा करना, उस हवाले से तमाम तर जो है ना वो सेंसिटिविटी की वीडियोज पड़ी हुई है। वो चाहे आप लोगों के पास कौन सी भी डिवाइस है आप लोग उस पर वो सेंसिटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से सेट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल कोड था, इसके अलावा ये सेंसिटिविटी है, मैं ADS ऑफ करके खेलता हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इसको ADS को ऑफ करके खेलें, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, आप लोगों का बिल्कुल जीरो रिक्वायर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।